हमारे पास है सेंटो। पेपर में सवाल आ सकता है कि व्हाट वाज सेंटो। सेंटो की फुल फॉर्म है सेंट्रल ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। ये भी एक आपके पास क्या था, एंटी कम्युनिस्ट पैक्ट था, लेकिन इसका जो पहले जो नाम था वो था मीटू, मिडिल ईस्ट ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। मिडिल ईस्ट कंट्रीज को बचाना था फ्रॉम रशियन इन्वेजन या रशियन इन्फ्लुएंस से, क्या करना था, बचाना था। क्योंकि मैंने आपको बताया कि सीटो और सेंटो क्या थे आपके पास, वो आपके पास एंटी कम्युनिस्ट पैक्ट थे, और दोनों जो है वो किसके खिलाफ होंगे, यूएसए और सॉरी यूएसएसआर और चाइना के खिलाफ होंगे। तो सेंटो सेंट्रल ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन है, इसका ओरिजिनल नेम था मीटू, मिडिल ईस्ट ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, एंड इट वाज आल्सो नोन एज बगदाद पैक्ट, क्योंकि इसके अंदर इराक और भी इसके क्या थे, मेंबर थे। आप ये बताओगे कि हमारे पास ये 1955 के अंदर बनता है और पाकिस्तान इसको 1955 के अंदर ज्वाइन कर लेता है, बट ये 1979 के अंदर खत्म हो जाता है क्योंकि कुछ रीजंस की वजह से ये ज्यादा चल नहीं पाता। तो अगर पेपर में सवाल आ जाए व्हाट वाज सेंटो, तो सेंट्रल ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन ओरिजिनल नेम क्या था, मीटू, मिडिल ईस्ट ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, इट वाज आल्सो नोन एज बगदाद पैक्ट, 1955 में एस्टैब्लिश हुआ और पाकिस्तान इसका पार्ट बना। जैसे ही पार्ट बना तो हमारे रशिया और चाइना से रिलेशंस क्या हो गए, खराब। इट वाज मेड टू प्रिवेंट रशियन इन्फ्लुएंस इन मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज, मिडिल ईस्ट कंट्रीज को बचाना था, एंड इट वाज एबॉलिश्ड या इट वाज फिनिश्ड इन 1979। 1979 में इसका क्या हो गया, खात्मा हो गया। तो हमारे पास ये कहानी है, होपफुली आपको सेंटो क्या हो गया होगा, समझ आ गया होगा।